Assalamualaikum, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां ईद स्पेशल। ईद के दिन हर शादीशुदा पाकिस्तानी IMF और रिश्तेदारों का हर बच्चा पाकिस्तान का वजीर खजाना बना होता है। सारा दिन बच्चों में ईदियां बांटने के बाद हर तनख्वाहदार यही कहता है कि ईद तो बच्चों की होती है, बड़ों की क्या ईद। वैसे हुकूमती लीडरान इस ईद पर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईद का चांद तो नज़र आया है लेकिन इलेक्शंस का चांद भी नज़र आ गया। ईद की इन्हीं खुशियों को दुबाला करने के लिए आज हमने एक ऐसे फनकार को दावत दी है जिनकी तीसरी जनरेशन पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। हमारे साथ मौजूद है दी वन एंड ओनली आरिफ लोहार। थोड़ी सी सीटियां और तालियां बजा कर रखे क्योंकि हमारे पास एक और सरप्राइज भी मौजूद है। जी आज तो फनकारा ने ट्रक ही मंगवा लिया है। असि ट्रांसजेंडर मंगवा लेना ताड़ी शक्ल च। मैं सदके जावा काशा दे इंतजार जो रक्षा पास होना है। अगर हकीकी जिंदगी में मियां बीवी बन जाएं तो जिंदगी तो एक एक्शन फिल्म बन जाती है ना। लेकिन इस ख्याल को गलत साबित किया हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत जोड़े ने। वो सिर्फ शोबिज के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल साबित हुए हैं। वाह। हमारे साथ मौजूद हैं, गेस तो कर लिया होगा आप। यस। मेरे ख्याल से आयजा खान और दानिश तैमूर तो नहीं आ रहे। नहीं, साउद एंड जवेरिया जी। मैंने लगता है कि मिर्जा साहब थे उन्होंने चौथी बीवी आएगी। वीना बता भी चुके हैं तजस्सुस को खत्म करें। वीना तजस्सुस को खत्म किया जाए। अरे कर भी दें। अरे वीना प्लीज। अच्छा वैसे एना भी नहीं किसी तड़फाना चाहिए। ओए बोला भी तो कौन। Put your hands together for Rambo and Saiba. एवरग्रीन जोड़ी। क्या बात है रैम्बो साहब, आज पहली बारी वैपर तो बगैर वेख रहे हैं तुम। बेटे उन्होंने तय होया वैपर इतों देंगे उन्होंने। उत्तर तुम अपने रैम्बो की कदर ही नहीं हैगी। क्यों? हॉलीवुड का रैम्बो ने उन्होंने मिशन मिलता कि दूसरे मुल्क जाना है, उतो साडा एजेंट वापस लैके आना है। साडे रैम्बो ने भी मिशन मिलिया सी हरिपुर तो, तू लाहौर जाना और साहबा लैके आने। अरे आपने ये नहीं देखा कि उन्होंने अपना मिशन कैसे खूब निभाया। नहीं वैसे आपकी कमिटमेंट देख के मैं तो हैरान हूँ। लाला को सीरियस मत लीजिएगा, ये वैसे भी हैरान रहते हैं शो में। और लंबी गल करेगा, ड्रैग करेगा। और गल करन तो पहले थले ईटा रख दे, उत्ते खलो के कर दे। यार ईटा दे खलो के बंदा कुछ और कर दे। आपको सबसे पहले तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ये खुशियाँ आपको और देखना नसीब करे कहीं। आमीन। मुझे इतनी ईद मिल गई कि मैं सब लोगों को इकट्ठे देख रहा हूँ। बड़े अरसे के बाद नासिर चिनियोटी साहब तशरीफ रखते हैं, सारी नॉन शख्सियात हैं, पाकिस्तान का प्राइड है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इनको देखता हूँ। मैंने ये मस्तियाँ भी शुरू की हैं जो घर में देखने के लिए। अच्छा। मैंने नहीं की। अच्छा, घर में देखनी शुरू की। घर में देखनी और बहुत अच्छा लगता है। इतनी टेंशन में और इतने अच्छे तरीके से आप इसको एंटरटेन करते। आपको दो दो ईद मुबारक भी और शो की भी बहुत मुबारक हो। और सारी टीम को जी मैं देखता हूँ। लाला आप सब, ये बड़ा मुश्किल नाम है सेंटर में जो है। काशा काशा उकाशा। ये सारे बाकी तो आप लोग तो हैं ही। ये उकाशा का नाम तो लगता है बड़ा जड़ी बूटी वर्गा नाम है। नजला होवे तो ले लो। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ईद का दिन है, आपके वालिद साहब तो आपका स्टारडम नहीं देख सके, लेकिन माशाल्लाह आपका जो बच्चा गैंग है ना वो अभी से मुनज़म हो चुका है। अच्छा, तो ये बताइए जो आपके बच्चों की इंक्लिनेशन है आपके इस प्रोफेशन की तरफ, शोबिज की तरफ, वो आपकी ख्वाहिश थी या उनकी अपनी ख्वाहिश है? नहीं, ये जीन्स होते हैं इंसान के। मैं समझता हूँ कि आर्ट जो होता है इसको आप कहीं से, इसकी तालीम तो मुश्किल ही मिलती है जी, क्योंकि ये किसी एकेडमी से आप सीख नहीं सकते। आर्ट जो होता है ये बॉर्न होता है। कुदरती बात है कि जो आशिक होएगा किसी वड्डे दा ओदा ही आशिक को बच्चे पैदा हो जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं आप दोनों से पहले एक बात पूछना चाहती हूँ।
बच्चे माशाल्लाह आपके जवान हो चुके हैं जी, लेकिन आप दोनों बूढ़े नहीं हो रहे, ये जवानी का स्टे आपने कहाँ से लिया हुआ है? सुने एक नवा आर्टिस्ट आया है एसन अफजल खान, और तुसी घर चो दे अगे शर्मिंदा शर्मिंदा फिर। अच्छा माशाल्लाह उन्हें गल भी तो नहीं करनी पैंदी। हाँ बेटा की गल की है? उन्हें अपने पापा दी सारी फिल्मां वेखियां ने, फिर उन्हें फैसला लिया कि पापा मैं अब आपको काम करके बताऊंगा कि काम ठीक कैसे होता है। बड़ी छोटी उम्र में बड़ा स्टैंड किया जी उसने। क्रेडिट जाता है जी माँ को, बेशक जिन्होंने काम छोड़ के अपने बच्चों पे तवज्जो दी। आप सब जानते हैं, आपको पता है। क्या बात, इसमें कोई शक नहीं है, साहिबा जी की कुर्बानियां हैं। ये थोड़ी बड़ी कुर्बानी दी थी बाजी ने। जब आप बच्चे थे तो आपके वालिद साहब माशाल्लाह ही वाज वेरी फेमस परफॉर्मर, वो यकीनन अपनी परफॉर्मेंसेज में मसरूफ रहते होंगे माशाल्लाह। फिर आपके बच्चे हैं तो आप एक मसरूफ सुपरस्टार, तो किस तरह से ईद के दिन को कैसे मैनेज करते हैं? कभी ऐसा भी हुआ है कि ईद का दिन हो और आप पाकिस्तान में ना हो? नहीं, मोस्टली जितनी मेरी ईदें बाहर ही रही हैं, और मेरी शादी के बाद भी मेरी मिसेस भी मेरे साथ जाया करती और बच्चे भी, बच्चे सबको साथ लेके चलते। जबरदस्त, मेरी ईद ही ये थी, ईद की ईद और अब्रॉड ट्रिप। अब्रॉड ट्रिप? हाँ जी, हाँ जी। नहीं पर बाहर तो ईद का मजा नहीं आता, जो इतने आता है। बिल्कुल सही, लेकिन बाहर एक दूसरे को देख के खुश हो जाएगा। ईद है, ईद है, ईद है। दूसरा काम भी तो है ना, काम भी तो करना है। काम साथ साथ है, वो जरूरी है, क्योंकि काम के साथ है सब। अड़ी रहमत साहब को ईद बाहर गुजरी है? मुल्क से बाहर तो नहीं गुजरी, दूसरे शहरों में ड्रामा करने, या जैसे आपको पता था पहले थिएटर। ड्रामा क्यों नहीं कर रहे आजकल? आजकल मेरे को होता नहीं। असल में आज कल वाला इनसे होता नहीं है। क्या बात है, ये बात है। टिपिकल ईद का दिन कैसे होता है? मैं पूछना ये चाहती हूँ कि सेवइयां कौन बनाता है, आप या रैम्बो? नहीं नहीं, मैं ही बनाती हूँ हमेशा। और अक्सर ये होता है कि रमज़ान की रूटीन ऐसी बनी होती है कि हम सुबह ही रोज़ा रख कर सोते हैं सहरी के बाद। ईद पे लेट तक जागती हूँ और मैं रात को ही बना के ना ठंडी करके रखती हूँ। ऐसा तो नहीं होता कि ईद भी लेट तक सब सोए रहते हैं घर में, उठ ही नहीं रहे होता? तो है, लेकिन नमाज के लिए उठना पड़ता है ईद के दिन। साल में एक ही दफ़ा तो होती है जी, अलार्म लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सोने का टाइम होता है जब ईद पड़ने का टाइम आता है। वो रूटीन ही ऐसी सोने का टाइम होता है। और अफजल ना जब ईद पड़ने जाना सारी वीडियो बना रहा है और कर लिया खाना साहब, देख लो मैं सीधा घर आ रहा हूँ। लोग जानना चाहते होंगे कि इतनी कामयाब शादी है माशाल्लाह, तो सीक्रेट क्या होगा? क्या रैम्बो को आप ट्रैक करती रहती हैं, जासूसी करती हैं, या ट्रस्ट लेवल बहुत ज्यादा है, सीक्रेट क्या है? नहीं, ट्रस्ट लेवल आपका होना चाहिए, और ये ट्रस्ट आप खुद नहीं करते, ये दूसरा आपको करवाता है ना। तो उन्होंने कभी ऐसी कोई हरकत ही नहीं की। इस गलत बात सरदार धवल क्यों वेखे है? नहीं मैं तो यार गवाही देने लगा, ए वहा तो दुकानदार है जेड़ा फ्रूट की दुकान पे बैठा रहा, पर ने किस दी स्ट्रॉबेरी नहीं छेड़े। एहो जी गल ही तो नोमान साहब ने की थी, अगर तुसी दसो ते। अमान साहब मुझे एक दफा मिले गाड़ी के साथ आके, गाड़ी रुकी, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, तो सिग्नल का चालक देखा, कहंदे रैम्बो, ओए रैम्बो, तो ये साथ बैठी थी, कहंदे ए वेख लै लुकाठा खाण वालिया असीं तैनूं लीची दे दित्ती। क्या बात है, अमान साहब दे नां दीआं जोरदार ताड़ियां होनी। क्या बात, बाहर जाइए ना होटलों के दरवाजे होंगे ने, बंदा अगे होंगे आपे खुल जाता है, अमान साहब अगे तो आपे खुल, कहते जीते रहो। बब्बू साहब नूं समझा रहे सन कि बब्बू भैड़िया इंजना कराया कर, इंज कर लिया कर, इंज कर लिया कर, लै हुण मैं तैनूं समझाता ही अगो तेरी अपनी मौत है। उन्हां वर्गा फनकार तो सदियों च भी नहीं आता। सही गल है, जिहड़े इत्थे सदियों दे आए ओह जांदे क्यों नहीं पए? बस अजकल च जाण वाले ने। ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੋ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜ ਲਾਓ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਚੰਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਸੇ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰ, ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਅਭੀ ਆਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? गोलगप्पे भठूरे पान रैम्बो साहब को ना खिलाइएगा। क्यों?
अगर ये पान खा लें तो अमिताभ बच्चन साहब की रूह आ जाती है। तो बस आप एक सुंदर सुशील सा पान बना के पान वाले को पहला ही गाहक आया कहता दो पान ला के बंद कर देने, पान ला के दुकान ही बंद कर दी। अच्छा जब तक पान आता है सवाल पूछना चाहती हूँ। भाजी एक सवाल है मेरा, जो मेरे भतीजे की एंट्री होंगी है तुम कुछ तय किया होंगे कि इस जगह तो बंद मतलब इन्नी देर बाद इंटर हो जाना है? नहीं बिल्कुल। अच्छा वो सब रैंडम होता है? ऑनेस्टली क्योंकि लोग मुझे जानते हैं और सब लोगों को पता है कि मैंने कभी अपने बच्चों को सिखाया नहीं है। मेरा जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम आलम लोहार जूनियर है, लड्डू, क्योंकि मुझे अब्बा से बहुत ज़्यादा प्यार है। अब्बा कई दफ़ा मैं बोलता हूँ कहता हूँ तो मैं उस लालच में नाम रखा कि मैं चल आलम तो मेरे को प्यार रहेगा ना किस तरह, क्योंकि जब मैं बाप बनाऊँ तो मुझे पता चला कि मेरे बाप ने कैसे कैसे मुझे देखा होगा, अब मैं जैसे देखता हूँ। और मैं एक बात बताऊँ, जब हमारा भतीजा परफॉर्म करता है ना तो लाला जी दो कदम पीछे होते हैं ना, उस वक्त इनका चेहरा देखने वाला होता है। अच्छा आपके सबसे छोटे बेटे का निकनेम लड्डू है ना, लड्डू बुलाते हैं? लड्डू प्यार से उसे, क्योंकि मैं ना रोब नहीं पा सकता सो देते आप, क्योंकि अब्बा ही दा नाम सी, केड़ा नाम रखा जिदे नाल ओए तू करके बुला लो, अब ही नाम रख के घबरा गए। हुण तो वो सुते होण ते उठांदे ने के आके अपना कुट के कहते आलम साहब उठो। अच्छा लाला जी आए हुए हैं इतनी देर से, तो ईद का दिन है। ऐसे कैसे हम अभी तक बैठे हुए हैं? क्या बात है, क्या बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन हमारे साथ रहिएगा मस्तियां ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं जी। आप लोगों से गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे पास आपके लिए कुछ गेम्स भी हैं। क्या गेम्स हैं आज हमारे पास? बहुत मजे मजे की गेम्स हैं बीना, और सबसे पहले हम गेम खेलेंगे हमारे फेवरेट कपल रेम्बो और साहिबा जी के साथ। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूंगी, सिंपली आपने जवाब देने हैं और ऑनेस्ट जवाब देने। सो बेसिकली इट्स अ रैपिड फायर। चलें, तो लेडीज फर्स्ट होता है, तो सबसे पहले सवाल करूंगी मैं साहिबा से। आप मुझे बताइए कि रैम्बो सोफे पर जूते पहनकर लेटते हैं या नहीं? ले जाते हैं, इसमें क्या अपना घर है जहां मर्जी जूते रखें। सफाई भी तो उन्होंने करनी होती है। मैं अपने घर की सफाई नहीं करता है जी, दूसरे घर आज करना। जिथे मर्जी जूते रख, दुख उदो हुंदा जदों साहिबा बाद च जूते रखदी है। ए ना वरन में बूट ला के खुरे च रख दे। नहीं नहीं, वो उस जगह रखते हैं जहां मुझे आसानी से मिल जाए, क्योंकि गुस्से में मैंने उठाना होता है ना। सर दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप कभी शॉपिंग के लिए कहती हैं इन्हें, तो ये आसानी से लेकर चले जाते हैं आपको शॉपिंग पर, या थोड़े से नखरे करते हैं? इनकी इतनी जुर्रत। मैं साहिबा से क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि रैम्बो सर ने आपको इम्प्रेस कैसे किया था? नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें थी कि जैसे कि कोई रोमांटिक गाना होता था या कोई बारिश का गाना होता था, तो ये उतना ही शॉर्ट देते थे जितना होता था, उससे हदूद से आगे नहीं जाती। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਂਦਾ ਕਿੱਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਪੇ ਥੇ ਹਮ। ਅੱਛਾ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਵੀ, ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ੋ ਵੀ ਸਾਥ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਥੀ, ਤੋ ਉਨਸੇ ਛੁਪ ਛੁਪਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਫੂਲ ਦਿਆ ਐਸੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਥੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा सर आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि चिमटे के साथ अगर किसी ने गाना गाना हो, ये आप ही की लेगेसी है, कोई और फ्रेंचाइज भी नहीं है, तो चिमटे का लाइसेंस तो आप ही इशू करेंगे मेरा ख्याल है। नहीं नहीं, वो एक कुदरती चीज़ है, कोई भी अगर उठाएगा। कहते हैं कुछ लोग कुछ चीज़ों वास्ते पैदा होते हैं, कुछ चीज़ा कुछ लोगों वास्ते पैदा होती हैं, पहचान बन दी हैं। सो मैं समझता हूँ कि शायद ये अल्लाह ताला की ये इसमें रजा शामिल है कि जब भी कोई चिमटा उठाएगा सारे कहेंगे आरफ लोहार या आलम लोहार। क्या ये बात है, ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत। तो आपके घर में तो सिर्फ आप थे ना जिन्होंने अपने वालिद साहब की लेगेसी फॉलो की थी, आपके तो माशाल्लाह सारे बच्चे आपके फॉलोवर हैं। हाँ बात है कि जब मेरा बचपन था, मेरे बड़े भाई जो वो इंग्लैंड चले गए थे। अच्छा। वो डॉक्टर है, मेरी सारी फैमिली डॉक्टर है। आरफ लोहार साहब ने एक चैलेंज भी तो किया है ना बहुत, मेरे जितनी सरदाई कोई नहीं पी सकता। ये कोई शक नहीं, हूँ भी ईद वाले दिन भी सरदाई पी के आया जी। अच्छा नहीं, सरदाई का कोई गर्मी सर्दी से वास्ता नहीं होता? नहीं, बस उन्हें पी के गर्मी नहीं करनी चाहिए। आपके बच्चे भी आपकी तरह सरदाई शौक से? बिल्कुल भी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स को हाथ नहीं लगाने देता हूँ, मैं कहूँ दूध पी या सरदाई पी। एक बंदा फंक्शन लैके आया, इन्होंने दरवाजा खोले तो इन्हें हाथ डंडा सी सरदाई वाला, वो डरता ही नस गया। आरसा मैं क्या की तुम? रैम्बो साहब से सवाल है जी, अगर आप आर्टिस्ट ना होते तो क्या होते? इंसान।
क्या मतलब हम सब इंसान नहीं है? अरे एक्टर इंसान होता है, इंसान रात को 8-9 बजे सो जाते हैं, एक्टर सारी रात जागता है। वाह वाह, बिल्कुल सही है। अगर एक्टर ना होते तो ड्राइवर बहुत अच्छे होते। आपने इनके साथ ड्राइव की भी है? एक गड्डी सी मेरी जी मस्कीन मस्कीन गड्डी ते अफजल साहब ने इको बारी चलाई, लाले जो कद सी बाहर निकल के बोनट फड़ रहे, पिछो मैं लत फड़ी अज करके बोनट थले ब्रेक लगे सामने इना क पुल से बोनट नू धोती बन के फैसलाबाद लगे हैं। लेकिन आपने उस वक्त 15,000 की ली थी। अब गाड़ी ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर है? मैं नहीं करता हूँ, मेरी ये बड़ी बुरी आदत है। मेरे साथ 4-4 लड़के भी होते थे, गाड़ी मैंने खुद चलानी है। तो लेकिन कहा जाता है कि गलती से इंसान को सीखना चाहिए, मैंने तो वैसे काफी कुछ सीख लिया। मेरे उस्ताद जवाद वसीम साहब, उन्हें को गड्डी होंदी सी। अच्छा, आओ असं ड्रामा करने जा रहे हैं महफल च, तो मेरे गल कर रहे हैं तो अचानक दो टायर नज़र आए ने। सच्ची मुची का वाक्य है, दो टायर नज़र आए ने, कहते नहीं ये किसके हैं, आगू गड्डी डिगी, मैं ये हमारे ही हैं। उस्ताद जी ने भी वो गड्डी रखी है कि नईम कश्मीरी साहब दौड़ के आए ने, गड्डी जा रही है, तो कहते ने जवाब साहब मैनू नाल लै जाओ, बह जा पिछे बह, इंज करके उन्हें पिछले दरवाजे हाथ रखे, असं निकल गए बाहर, दरवाजा लैके खलोता है सी। नहीं यह जहाँ वाकई एक दफा अहमद रंगीला साहब नाल भी होया सी, जो उन्होंने नवी नवी गड्डी ली सी, मैंने चलानी नहीं सी आउंदी, मेरे उस्ताद ने मैंने दसिया है रेस है ते है कलाचे ब्रेक का, उन्हें दसिया ही नहीं मैनू। और लक्ष्मी चौंक टिक्किया वाले नहीं जेड़े सब दौड़ गया सी, कोई भी नहीं सी उत्थे, मैं गड्डी उन्होंने चढ़ाती, मैं हैंडल खिंच रहा तो रेस दे रहे। इंज करके गड्डी रुकी है, मूँह के उत्ते शामी कबाब पाया, ये हाथ बड़ा उठा है, लोग समझ ड्राइवर नहीं मंगन वाला बैठा है। गड्डी तो मिर्जा साहब को सी, दसो ना अपनी गड्डी का। हाँ जी, हाँ जी सर, गड्डी भला मंगन वाली। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है, बेहतरीन, मैं खुश हूँ। एडी समझदार इन्हों की मोटरसाइकिल है, तुम्हें तो दी है। हाँ जी, असं दिने गरीबा वंड रहे, कि मैं सर आपकी परफॉर्मेंस देख रही थी आपके छोटे बेटे के साथ, एंड लिटरली I got goosebumps because वो वाकई सच में ना enthusiasm, वो लग रहा था कि बाकायदा पता नहीं कितना trained और कितना एक perfect किस्म का artist है, too good माशाल्लाह। नहीं बाकायदा वो कहता है कि जब मैं पापा के साथ मुकाबला करता हूँ स्टेज पे, हाँ, वो लग तो जब वो जानबूझ के मुझसे हारते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है कि आपके बेटे की बहुत ही ह्यूज फैन फॉलोइंग है अभी से, माशाल्लाह से, ये अल्लाह का करम। आई एम वन ऑफ देम। इना जी मेरा एक सवाल है सर से, सर नॉर्मली फ्लोर पे जब हम कोई भी परफॉर्म करने जाते हैं उनकी हार्ट बीट तेज़ होती है, बॉडी शिवरिंग करती है, बड़ों की भी करती है, बट बच्चे ने कभी आपको कहा है कि बाबा मुझे डर लग रहा है जाने में? देखिए जो बाज का बेटा होता है या शेर का पुत्र होता है उसे कौन सिखाता है कि तुम्हें शिकार कैसे करना है, वो फितरत में मौजूद होता है, नेचर में होता है। मैं जब छोटा सा था तो अनचकसा, मैं बिल्कुल मैं नहीं सी चकदा होता, किन्नी भी आवाम है, मैंने बहुत बहुत बड़े कॉन्सर्ट किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया को देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो लोग अपने घरों में बैठ के देखते हैं, जब 4-4, 5-5 लाख आदमी स्टेडियम में खड़ा होता है। जी तुसी बदानी फनकार हो या मकानी फनकार, माशाल्लाह लोग स्टार्स को देखने के लिए स्टेडियम में आया करते। भावलपुर में मैं गया था तो वहाँ पे जगह नहीं थी खड़े होने की, मैं अपने अब्बा के साथ जब गाया करता था तो मुझे बिल्कुल नहीं होता था कि मेरे अब्बा मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने कहते सन एक खाड़े बिच पुत्री तगड़ा हो जाओ यार फलवारा, तेरे ना मेरे पोतरे भी गान गए, वो किसी ने टेप पे रिकॉर्ड किया हुआ था। अच्छा। वो फिर पिछले दिनों उसने मुझे भेजा। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की सोच से बाहर होती हैं, जब मेहनत थक जाती है, जब इंसान की सोच के बंदा कहता है मैं क्रिएट कर लाँ इस तरह कर लवा तो वो नहीं हो पाता, उत्थों कुदरत स्टार्ट होती है, फिर जाके बंदे को पता चलता। यही दुआ है कि अब आपके बेटे जो हैं वो आपका नाम और अपने दादा का नाम आप लोगों से ज्यादा आगे लेके जाए। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं सिखाता होता, मैं गाना तो आंदा ही नहीं, जड़ी सच्ची गल है तो रब ने एक रहमत करम है मालक दा, कहंदे ने कि मेरे वाले साहब जो गाते सन असी नसरां च बोल कहने,
ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਧਾਰੀ ਮੰਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਾਲਮ ਲੁਆਰ ਤੇ ਕਾਰ ਫਲੋਰ ਬਣੇਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਕ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਰ ਲੁਆਰ ਸਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾ ਅਤੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਮੈਂ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਦਫਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜਾਊਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬਾ ਕਾ ਬੇਟਾ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਸਨੇ ਯੇ ਬਾਤ 8-10-12 ਸਾਲ ਕੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕਭੀ ਘਰ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਮਰੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤਾ ਥਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਰੁਕ ਜਾਓ ਕਹਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਮੁਝੇ ਕਾਮ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ 2 ਲੋਕੋ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹਮ ਉਸੇ ਯੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਹੂੰ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਆਏ ਮੇਰੀ ਵਾਕਈ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੀ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕੀ तो आप शायद वो ड्राइवर हैं और बहुत सारे ड्राइवर दूसरे ड्राइवर पर ना कभी भरोसा नहीं करते तो एवरीवन लाला के लिए शो अभी शुरू है जी लाला बड़ी बात असल में रैम्बो साहब लाला जो है ना ये साडे प्रोग्राम का दिल लेगा अच्छा ऐसा फनकार घट ही कोई होएगा क्योंकि जो कम लाले ने आंदा ना साडे सारे ने किसी को नहीं आता किसी को नहीं आता वो तो मैंने भी देखा हुआ है लेकिन आज मैं आया हूं तो वो कर नहीं रहे कर रहे हैं आपको कितनी देर का ड्रैग कर रहे हैं कर रहे हैं और लाले वर्ग का पता बीवी ने लड़के कह रहा था अच्छा अब मैं बैटरी बॉक्स से सो रहा हूँ मुझे कोई ना उठाए एक मिनट यार आपके सवाल हो गए नहीं अभी रहते हैं आपका टर्न तो बाकी है मुझे बताएगा कि साहिबा आपका मोबाइल चेक करती हैं कभी भी नहीं तो आप कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ ये भी खोल लेंगी हेलो खोल के दिखाओ फोन नहीं नहीं दूजे वाला दिखाओ यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेकिन हमारे साथ रहिएगा मस्तियाँ ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम बैक टू मस्तियाँ और मस्तियाँ में ईद की मस्तियाँ जारी हैं और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं आइए उनसे बातचीत का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं मैम आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ ये बताइए कि आपने कभी अपने हाथ पे मेहंदी से रैम्बो लिखा है नहीं वैसे पक्का जो है ना वो दिल पे लिखा हुआ है उन्होंने तो पक्का दिल पे लिखा है ना तो अफजल ने जाके वेल्डिंग वाले को इतना लिखवाया सी साहब खाने में आपको क्या पसंद है मुझे मटन पुलाव ज्यादा पसंद है लेकिन मैं खाता कम हूँ अच्छा और कुकिंग आप खुद करते हैं हाँ मैं कर लेता वाओ अच्छा भाभी को कैंडल लाइट डिनर करने के लिए कितनी दफा लेके गए आप नहीं हम बाहर खाना नहीं खाते यार ये बहुत गरीब आदमी है मैं तुम सही दसा नहीं मैं बहुत कम मुझे बाहर जाके खाना पीना घूमना फिरना मुझे नहीं पसंद तो आपका दिल नहीं चाहता कि बाहर जाएं आपके साथ आपको घुमाने ले जाएं ये बच्चों के साथ जाती हैं हाँ मैं मुल्क से बाहर ले जाता हूँ इन्हें अच्छा यहाँ इधर नहीं बाहर हम बहुत इंजॉय करते हैं पैदल वॉक करते हैं बसेस में जाते हैं ट्राम्स में जाते हैं तो वो हमारा मतलब वो है कि शॉपिंग भी वहीं से होती है और जो है घूमना फिरना भी वहीं से शॉपहोलिक है आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं बाहर जाकर यहाँ नहीं मतलब यही शॉपिंग करती है अफजल को तो हूँ भी अल्लाह की रहमत ना सन 85 वाले सारे कपड़े पे ने इन्हों का कहना है कि कुछ साल बाद फैशन घूम के फिर आई ना नहीं नहीं लेकिन ये भी शॉपिंग करने पे आए तो ये बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं मैं शॉपिंग बहुत करता हूँ इस्तेमाल नहीं करता पैक करके पैक बड़े कबर्ड में हाँ बहुत बड़े पैसे किसी टाइम में वापस करने पे जाना अफजल साहब आपसे ही रिलेटेड सवाल है मूवीज आपने बड़ी की हैं कभी ऐसा कोई लम्हा आया आपके पूरे करियर में कि ऐसा स्टंट करना पड़ गया आपको कि आपने कहा कि यार अब मैं नहीं बचता अच्छा बाय द वे अपनी बहुत सारी फिल्मों के स्टंट्स आपने खुद किए हैं खुद करते थे खुद करते आ रहा हूँ ना अपनी फिल्मों के स्टंट्स करते ही नहीं है रैम्बो इज द वन पर्सन जो अपनी फिल्मों के स्टंट्स खुद करते काफी हीरोज करते रहे हैं हमें जुनून बड़ा होता था जैसे लाला जी का शॉट है तो कोनियों से खुद ही चले जा रहे हैं नहीं मैं खुद ही करूंगा 45 की स्पीड पे मैंने छलांग लगाई गाड़ी से आपने भी स्टंट्स किए हम सबको बड़ा जुनून होता था कि नहीं यार हमने खुद करना है डुप्लीकेट नहीं बुलाना कराची सवाए शीशा तोड़ने के अच्छा क्योंकि अल्लाह इन सबको जिंदगी दे जितने भी हमारे फाइटर थे
यार वो तो होता है ना शुगर का ग्लास होता है वो सब भी आप सब जानते हैं। जी, जी, जी। हमारे ये रियल ये जो शीशा नहीं होता ये इसमें से क्रॉस करते थे लड़के। हमारे यहाँ एक्शन में प्रॉप्स भी यूज होती हैं वो भी बड़ी खतरनाक प्रॉप्स। उनमें से गुजरे हैं कई लड़के, उनके कट भी पड़े हुए हैं, चोटें लगी हुई हैं, इतनी ऊंची जगह से जंप करना। ऐसा भी हुआ जब रिलीज का टाइम आता था ना तो ईद के मौके पे रिलीज होनी थी, मैंने टांगे थे उन्होंने बताया कि कोचवान बन के जा रहे हैं, कैमरा दूसरी साइड पे लगा हुआ है ना, वो शॉट लेके चले गए ना तो मैं शिदरे पहुंच गया। बंदा उतो बैठा ना मेरे को पीछे कहता जी यार तेरी शक्ल अल्लाह की कसम आर फ्लोर ना हू बहू मिलती। जब मैं पहुंचा हूं तो पता चला कैमरे वाले चले गए, उन्होंने रिलीज के लिए वो रील देनी थी। लेकिन वो इतनी जल्दी में थे वो लेके नेगेटिव निकल गए। उन्होंने डेवलप करके प्रिंट करके रील में जोड़ के भेजना था। यह बड़ी वैसे अच्छी गल है क्योंकि जी फिल्म लाए ना इतने बड़े बड़े अजीब बंदे, एक साढ़े डायरेक्टर सन उन्होंने सस फौत हो गई तो मैं चलो पैकअप हो गई तो मैंने कह रहा है पैकअप नहीं हुई उतो मेरी सस का जनाजा रिसीव करना तो नाल तुम रोना भी याद नहीं तारक टैडी मरूम का एक जरा नचन का कि जो उतो डांस करना सरदार साहब समझा रहे हैं तारक न कि तू नज़र नहीं आना तू नच नच के इन्ना नचया कि थक गया बस उस सीन तो बाद उन्हें फिल्म छड़ती तारा के लम्मा पै गया लभन डे तारक टैडी के सीन तो जो शुरू होने मरहूम की एक बहुत अच्छी गल है प्रोडक्शन वाला जाके ठा रहा कहता टैडी साहब उठो शूट कहता यार उन्होंने बाहर जाकर मैं घर नहीं है कहना मैं ही तो लैना आया जी। मनी बैक की गारंटी है ना? हाँ ये दसो ना तुम दस नहीं रहे। बिल्कुल है, आज जो देखने जाएगा उसको मिल जाएंगे, ऐसे वापस होंगे अगर मजा नहीं आएगा। हाँ और मुझे यकीन है कि सबको मजा आएगा, कोई पैसे वापस नहीं लेगा और पैसे लेके दोबारा टिकट लेगा। ये बात देखिए जो सॉलिड चीज होती है ना उसके साथ हमेशा कहा जाता है कि भाई मनी बैक की गारंटी है, बेफिक्र हो के आप देखें। सपोर्ट करना चाहिए हमारे मुल्क की फिल्म ऑब्वियसली और बड़े बजट की फिल्म और एक अच्छी एंटरटेनिंग मूवी लग रही है तो कास्ट बहुत बड़ी। और कितने साल बाद थोड़ी ईद पे फिल्म लग रही है? मेरी तो बहुत सालों के बाद। वाकई यार ईद पे तकरीबन 10-12 साल तो हो गए। माशाल्लाह तानू ईद मुबारक और फिल्म मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। असल रैम्बो साहब तुम्हारा टैलेंट उस फिल्म वाले ने देखा है जब तुम खोते का रोल नहीं किया। मैं तुम्हारा रोल कभी भी नहीं किया। आवाज जिहड़ी दित्ती सी। अच्छा आवाज दित्ती भाई की गल है? मैं कहंदा रैम्बो साहब पहले तो तुम्हारे फैन आए हैं, उस बाद में ज्यादा ही हो गया। अच्छा किस तरह तुम कहते फिकरा माई ना एम एस मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन सिर्फ हम ही क्यूरियस नहीं, हमारी ऑडियंस भी बहुत क्यूरियस है, वो कुछ क्वेश्चंस हैं उनके पास आपके। जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा सर आरफ लोहार साहब से सवाल है कि वो कौन सा गाना है जो गाते हुए आपका चिमटा गर्म हो जाता है? चिमटा गर्म होता है ये तो ताई गाना बजता है सर। उधर चिमटा उधर गर्म होता है जो इन्हें अंदाजा हो जाए कि अगला पेमेंट नहीं देगा। और चिमटा को आजदा नहीं ये हकीम लकमान के दौर तो टुर आ रहा जो तो अफला तूर ने कहा जी कन खजूर दे तत्ता कर चिमटा लाओ मगज तो निकलाएगा। अगला सवाल किसका? मेरा सवाल सर आरफ लोहार साहब से है कि कभी फ्लाइट में जाते हुए आपको चिमटा ले जाते हुए रोका गया है? अब तो साथ नहीं लेके जा सकते, लगेज में जाता है, लेकिन पहले साथ रख लेते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। वाह वाह वाह। मिस करते हैं जब चिमटा पास नहीं होता? जाहिर है मेरा एक बेहतरीन साज है जिससे, बल्कि मैं रूस के एयरपोर्ट पे जब गया मास्को तो मैंने वो एमरजेंसी में किसी गन के उसमें कवर में ना तो मंगवा के तो उसमें मैंने चिमटा डाल लिया। तो नई नई रियासतें बनी थी, मैं जब भी अपने गया हुआ था उधर अलमाती प्रोग्राम के लिए। अच्छा। तो ऑफिशियली गया था ओके। तो वहाँ जब रुका तो उतरा वहाँ पे जहाज तो मैं वहाँ बाहर निकला तो उन्होंने क्या एक ही लेके आ गया। इमेजिन गन के कवर में से कोई चीज निकाला। उन्होंने क्या पोजीशन लेस रेस मुझे उन्होंने गिरफ्तार टाइप कर लिया। तो जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने ऐसे निकाला तो मुझे कहते कि मूव ना कर, लेकिन उन्होंने जो तो बाहर कटे विकर लग भी कि किस तरह की चीज है। मैं उन्होंने टच करा कहते हाँ कर, मैं पकड़ पकड़ कर जो बजाना शुरू कर दिया नचना। फिर उन्होंने मिलिट्री ने कुछ 13 गाने किए उन्होंने एयरपोर्ट से पैसे होने शुरू हो गए। जोड़ा फनकार जाते हैं उन्होंने वो पूछते हैं चिमटा लिया है। जी अगला सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर रैम्बो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपसे शादी के लिए टिप्स चाहिए। आपने साहिबा भाभी को कैसे शादी के लिए बनाया था?
देखो ये जो काम करना होता है ना इसमें थोड़ी हिम्मत चाहिए, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, दिन रात काम करना पड़ता, मजदूरी करनी पड़ती है, काफ़ी हिम्मत चाहिए। मैंने 20-20 घंटे काम किया है और बहुत सारी फिल्मों में। नहीं यार जे किसी ने गल पूछी उन्होंने सही राह विखाई देता तो सही दस है उत्तर ये मैडम निशो बेगम का तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ेगा और यह जो मुंडे की शादी हुई थी कोई जिद नहीं है मम्मा मैं घोड़े पे नहीं मैं डोली पे बयाने जाऊंगा। अच्छा वैसे इतने सालों के बाद भी आप लोगों की जो मोहब्बत है और जो शादी है वो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन होती है, ये बताइए कि कौन कौन से चैलेंजेस सचमुच में आपने फेस किए थे? पाकिस्तान की वो शादी सी जिवें अजकल लोग फिक्र च नहीं कि इलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा। रियली बिल्कुल इन्हों की शादी भी इंज सी कि होएगा कि नहीं होएगा। सलमान खान की शादी का किन्ना रौला है। हाँ जी हाँ जी इन्हों की शादी सामने कख भी नहीं हैगा यानी कि तुम कह सकते हो आटे च लून बराबर नहीं नहीं यह शादी जी ना बहुत किन्ना रौला इस विआह का पिया किसे विआह का नहीं पिया। इस विआह लई ते मेरा ख्याल पूरे मुल्क दी दुआवां सन। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक बट स्टे ट्यून्ड बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दिस स्पेशल ईद ट्रांसमिशन राइट। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करते हैं। गाई जा तू यार आना इधर 5000 होवे तक दिना दिन ते होवे तक दिना दिन गेस्ट हाउस वाले बड़े रोले उन्हें पाए ने गेस्ट हाउस वाले रोले बड़े पाए ने रैंबो साहबा बैठे विचकार नाल बैठा आस लुहार हो सकता है सीन तो बाद रैंबो साहब तेरे नाल जान ताड़ियां ना मार तू मेरे यार दे दे तू भी 5000 होवे क्या कहने रैंबो साहब ने रोजा रखे दोपहर नू रोजे ने बहुत सताया शिकंजवी का टप भर के सूरज नू कहंदा डुब जा खजूर चुकी उन्हें कहा हजरात इन्होंने मूंह च पाई उन्हें कहा एक बच्चा गवाच गया। और पिंडे तुहाडे ज़ाहर शाह दे पुत्तर वाले ने कम किहड़ा कर रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह तुहानू पता है ये तुहानू नक ना लगदा ते इत्थे डड्डू लगना। आपका जिस्म इतना सेहतमंद है मेहनत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? मिर्जे ने जहाज तो पैराशूट पा के छाल मारी थले चड़ेलां दे बच्चे मिल गए कि मामू सानू भी नाल ही ले जाओ। मिर्जे ने तो सदका सुटिया चड़ेलां ने वापस करता उन्होंने कहा भाए ना आपस लैन दे नहीं होगा। 5 साल भी हॉस्पिटल रहा मिर्जा। अच्छा आटी के चूस के दसदा सी मिठे लवाई जाओ। यार तुम बड़े अजीम लोग हो यार। जी 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 मेहरबानी। किसी बदुआवा दे के घर जा कहने से घर फैरंग कर रहे हैं जैसे नाना वेख ला के बुटी नु कह रहे होंगे कैसा लग रहा हूं। रैंबो साहब वर्गे बंदे खराब सालन खा के कहंदे ने मैं कहा खराब है लेकिन टेस्ट सही है। मेरे ख्याल में तुम्हारी जुगतां 5000 वापस करने लिए जा रही हैं। नहीं नहीं बाकी इससे पहले के जो पैसे आपके पास है वो वापस हो जाए मेरा ख्याल है आप लोग जाएं क्योंकि मेरे कपड़े पाए तुम भी 5000 दियो। ओए पुत्र एंकर है की साहब को बहुत खुशी इंडिया जो किन्ने लेके आए ने आया ले
बड़ी थोड़ी भैड़ी गल है ओहो कुछ कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि इतने जल्दी गुजर जाते हैं लिटरली वी हैड सो मच फन थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारी ईद की खुशियां दोबाला कर दी और ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद का दिन हो और आप से ईदी लिए बगैर आपको जाने दें हम Put your hands together everybody for the one and only the living legend Arif Lohar एक छोटा सा ब्रेक लेकिन हमारे साथ रहिएगा मस्तियां ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में